ममता वर्मा एंड वी वर डूइंग कंटीन्यूअसली द रेस्टोरेशन ए. सो लास्ट क्लास में हमने जोन राइटिंग को किया था. नाउ जो रेस्टोरेशन रेमेडिस्ट हैं, दिस ऑल आर वेरी फेमस और उनका वर्क भी इम्पोर्टेंट है. तो हम रेस्टोरेशन रेमेडिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं आज से. रेस्टोरेशन रेमेडिस्ट. दो कैरेक्टर तो यहाँ है,
नेक्स्ट जो करेक्टर है इसमें दैट इज फिडेलिया, फिडेलिया. सो फिडेलिया एस इज द असिस्टेंट असिस्टेंट ऑफ कैप्टन मैनली, कैप्टन मैनली की असिस्टेंट है. एक्चुअल में सी इज गर्ल्स, ओके, बट मैं आपको जो स्टोरी है वो लेटर डिस्क्राइब करती हूँ. ये गर्ल है जो सी इज द यू नो असिस्टेंट ऑफ कैप्टन मैनली. एंड नेक्स्ट कैरेक्टर है इज वर्निश, वर्निश, ओके. He is the friend of Captain Manly. Captain Manly का friend है and husband of Olivia. Husband of Olivia. Olivia का husband है, ठीक है. तो इसमें main जो character है वो फोरी है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ इन्हीं के चारों तरफ ये story है वो घूमती रहती है. तो इसमें the plain dealer है. Plain dealer सबसे पहले story में पूछा भी जा सकता है कि plain dealer का meaning क्या होता है. एक्चुअल में प्लेन डीलर है वो कैप्टन जो मैनली है, ही इज ए प्लेन डीलर. सो प्लेन डीलर इज अ पर्सन हु इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ओके, जो बिजनेस में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है या ऑनेस्ट होता है उसको प्लेन डीलर बोला जाता है, जो बातों को डायरेक्टली मतलब प्रेजेंट करते हैं ना कि इनडायरेक्टली, ठीक है. तो यहाँ कैप्टन मैनली है, ही इज ए प्लेन डीलर. नाउ उसकी बिलव्ड ओलिविया. सो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? कैप्टन मेले है, ही इज ए शेलर. इसमें कैप्टन मेले है वो शेलर है, ठीक है. शेलर, शेलर मतलब जो शिप पे रहता है वो शेलर है. एंड नाउ जब स्टोरी शुरुआत होती है, जब प्ले ओपन होता है, तो कैप्टन मेले की शिप है इज ऑलरेडी लॉस्ट इन द डच वार. तो डच वार होता है जिसमें कैप्टन मेले की जो शिप है वो लॉस्ट हो जाती है वहां. एंड आफ्टर यू नो आफ्टर दैट ही रिटर्न टू द लंदन. तो उसकी शिप जो लॉस्ट हो जाती है उसके बाद वो लंदन आ जाता है. एंड आफ्टर कमिंग देयर इट केम्स टू नो दैट हिज बिलीव्ड ओलिविया है शी इज मैरिड ऑलरेडी अनदर पर्सन. तो लंदन में आने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी जो बिलव्ड थी ओलिविया, उसने ऑलरेडी मैरिड शादी कर ली है, ओके. नाउ कैप्टन मेले है ही फिल्ड विद रेज. उसको काफी गुस्सा आता है ये सुन के कि उसकी बिलव्ड है, यू नो हाउ मच ही लव्ड हर एंड ही ऑलरेडी गिव लॉट ऑफ मनी फॉर हर केयर. तो उसने बहुत सारा उसको पैसा भी दे रखा था उसकी केयर के लिए. एंड सी चीटेड हिम, उसने उसको धोखा दिया एंड सी मैरिड अनदर पर्सन. तो कैप्टन मेले को काफी गुस्सा आता है एंड ही डिसाइड टू टेक ए रिवेंज. उसने सोचा कि वो बदला लेगा उससे कि उसने उसको चीट किया है. तो नाउ कैप्टन मेले व्हाट डज सी सेंड्स ए बॉय, ओके. बॉय कौन होता है? फिडेलिया, ओके. तो यहाँ इस स्टोरी में कैप्टन मेले की ये जो असिस्टेंट है फिडेलिया, यहाँ कैप्टन मेले खुद को नहीं पता कि एक्चुअल में ये गर्ल है, क्योंकि सी ऑलवेज रिमेन इन द डिस्गाइज एज ए बॉय. तो वो हमेशा बॉय के अपीरियंस में रहती है. उसका आउटर जो अपीरियंस है, उसने बालों की विग पहन रखी है लाइक ए बॉय, छोटे छोटे बालों की विग, ठीक है. एंड सी ऑलवेज रिमेन्स लाइक ए बॉय इन फ्रंट ऑफ कैप्टन मेले. तो उसके घर में रहती है वो और वो एक बॉय के रूप में ही रहती है. तो कैप्टन मेले को खुद को नहीं पता कि ये गर्ल है, ठीक है. एंड ही सेंड दैट फिडेलिया टू एट द हाउस ऑफ ओलिविया. तो ओलिविया के घर में उसको भेजता है एज ए डिस्गाइज एज ए बॉय टू टेक द रिवेंज, ओके, टू सेड्यूस ओलिविया. तो वो उसको भेजता है कि वो ओलिविया को सेड्यूस करे कुछ बदला लेने के लिए, ठीक है. नाउ व्हेन ओलिविया है ही यू नो एट द फर्स्ट टाइम व्हेन सी लुक एट हिम, जब उसको देखती है किसको, इसको फिडेलिया को. नाउ फिडेलिया ऐसी इज इन द डिस्गाइज ऑफ ए बॉय. तो वो बॉय के अपीयरेंस में है और जब ओलिविया उसको फर्स्ट टाइम देखती है, देन सी आल्सो फील्स यू नो ए सी आल्सो स्टार्टेड टू लाइक हिम एंड यू नो क्रिएट ए पैशन फॉर हिम. तो वो भी उसको लाइक करने लग जाती है. नाउ कैप्टन मेले है वो उसको ये जो फिडेलिया है उसको इसलिए भेजता है सो दैट सी कैन यू नो टेक ऑल द मनी व्हिच ही हैज गिवन टू ओलिविया. तो वो उसको भेजता है कि वो उससे बदला भी ले ले और उसने जो भी मनी ओलिविया को दी थी उसकी केयर के लिए वो उसको वापस चाहता है
बट जब जो फिडेलिया है नाउ कैप्टन क्या होता है, कैप्टन मेनली है ही हिमसेल्फ गो एट द हाउस ऑफ ओलिविया, तो वो क्या करता है खुद उसके घर जाता है. एंड व्हेन ही सीज दैट द वर्निस है, वर्निस इज फ्रेंड इज द हस्बैंड ऑफ ओलिविया, तो वो काफी अटेम्प्ट हो जाता है ये देख के कि उसका जो फ्रेंड है वर्निस ही इज द हस्बैंड ऑफ ओलिविया, उसकी बिलव्ड का हस्बैंड है. एंड दे बोथ स्टार्टेड टू आर्ग्यू. तो यहाँ क्या होता है और जो वर्निश है और जो कैप्टन मेनली है इसमें आर्ग्यू हो जाती है दोनों में. एंड उधर ओलिविया भी आती है बीच में, तो दोनों में एक मतलब फाइट हो जाती है दोनों में आपस में. ठीक है, तो वहां उनकी फाइट में जो फिडेलिया है सी केम बिटवीन यू नो बिटवीन बोथ ऑफ देम टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर, उन दोनों को उस फाइट से अलग करने के लिए बीच में आती है फिडेलिया. एंड इन दिस ना ड्यूरिंग दिस हिज विग ऑफ हेयर इज फॉल्स डाउन, और क्या होता है इस फाइट में फिडेलिया ने जो विग पहन रखी थी लड़कों वाले वो नीचे गिर जाती है. नाउ कैप्टन मेनली है ही कम्स टू नो दैट सी इज एक्चुअली अ गर्ल, तब कैप्टन मेनली को ये पता चलता है कि ये एक गर्ल है. ओके, और अब क्या होता है कैप्टन मेनली है सी स्टार्टिंग टू लाइक हर, और वो फिडेलिया को एज हर मिस्ट्रेस के रूप में उसको चुनता है. एंड दे बोथ गेट मैरिड एंड लिव ए हैप्पी लाइफ. तो लास्ट में क्या करता है कैप्टन मेनली है ही गेट मैरिड विद फिडेलिया, फिडेलिया से शादी कर लेता है. बट एक्चुअल में फिडेलिया है सी आल्सो सीक्रेटली लव विद कैप्टन मेनली. सो फिडेलिया क्यों रह रही है कैप्टन मेनली के हाउस में एज ए बॉय के अपीयरेंस में, बिकॉज सी सीक्रेटली इन लव विद कैप्टन मेनली, वो भी कैप्टन मेनली से प्यार करती है. बट सी नेवर एक्सप्रेस हर फीलिंग्स बिफोर बिफोर हिम. सो लास्ट में जब कैप्टन मेनली खुद फिडेलिया को चुनता है एज हर मिस्ट्रेस, सो सी फील्स यू नो वेरी हैप्पी एंड दे बोथ यू नो गेट मैरिड. ओके, तो ये जो कॉमेडी है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाती है कि दोनों लास्ट में शादी कर लेते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लेन डीलर. और नेक्स्ट जो उसका प्ले है द कंट्री मैन उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ सबसे पहले ये जो नाम का जो टाइटल है द प्लेन डीलर ये इम्पोर्टेंट है, उसमें ये चार कैरेक्टर है और स्टोरी बहुत ही मतलब सिंपल सी स्टोरी है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है,